क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन, ये एक इंडिविजुअल स्टेट का है, मतलब एन वन अगर एन वन रहा जाए जी वन, यहाँ पर क्या होगा ई वन, मतलब ये अल्फा ऑर्बिटल कॉन्स्टेंट है, उसका वैल्यू निकाल लेंगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एन आई है, मतलब एक इंडिविजुअल स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इक्वेशन ये है। लेकिन ये अधूरा है, क्यों अधूरा है, क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा, ये कोई कॉन्स्टेंट आया उसका एक अपना वैल्यू नहीं आया है, तो आगे का जो कैलकुलेशन होगा वो एक कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो हो सकता है समझ सकते, लंबा जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बनाने वाले हैं, इसका कॉन्स्टेंट निकालेंगे ई का पावर अल्फा और बीटा के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है उसको एक्चुअल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्टेप ऊपर वाला ही ये वाला, ठीक है, ये वाला स्टेट को भूल जाइए आप, नीचे जो किया मैंने वो, ठीक है, ऊपर वाला को ही आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको भी आप क्या करते हैं, इसको भी भूल सकते हैं, जगह थोड़ी बन जाएगी मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहाँ पर एन आई जो है सो आई एस स्टेट के लिए है, तो हम क्या करते हैं, कि हम एक रेंज ले लेते हैं, जैसे हो गया एनर्जी के लिए लेते हो, तो एनर्जी ई प्लस डेल्टा ई, देखो एक रेंज लेते हैं ई और एक और इसके बीच में ई प्लस डेल्टा ई के बीच में जितने भी एटम्स का इसके बीच में जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, मान लीजिए ई यहाँ पर है और ई डैश ई प्लस डेल्टा ई यहाँ पर, इसके बीच में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम लोग मानेंगे एन ई डी ई, बराबर यहाँ पर जी आ करके क्या हो जाएगा, जी ई हो जाएगा। मतलब ये जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी था आईएथ एटम्स के लिए, आईएथ मॉलिक्यूल्स, आईएथ पार्टिकल्स के लिए, वो अब किसके लिए हो जाएगा, इस गैप के लिए हो जाएगा, ठीक है। इंटू ई का पावर माइनस अल्फा इंटू ई का पावर माइनस बीटा, ई वन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पर ई वन ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई लेना मैंने, ठीक है, इंटू डी ई। एक्चुअल आप देखें तो इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया था दोनों तरफ, ठीक है, कि एक बीच गैप में कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह से नहीं है। इसको कोई इक्वेशन मानो ताकि भविष्य में क्या हो सके, काम आ जाए, है ना, नोट्स में इसको बनाया हुआ है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाई टू एम, क्यों नहीं जानते हैं क्या, बोलिए जानते कि नहीं जानते, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एनर्जी होता है, क्योंकि गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमको यहाँ क्या निकलना है, पी लाना है, ठीक है, तो यहाँ भी एम से गुना किए और यहाँ भी एम से गुना किए, तो हो गया ई इक्वल्स टू हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को बोलते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम, वही तो मैंने लिखा ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम, ई इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे क्या निकालना चाहें भाई, पी स्क्वायर बराबर क्या निकालना चाहें, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू एम ई, और दोनों तरफ अगर हम क्या करें डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, तो टू पी डी पी हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा टू एम इंटू डी ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100% होगा। अब ये टू से टू तो हम कैंसिल कर सकते हैं, पी के जगह फिर वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम पी के जगह पे क्या लगा सकते हैं, पी के जगह पे हम लगा सकते हैं टू एम ई का रूट, क्या लगा सकते हैं हम, टू एम ई का रूट इंटू डी पी इक्वल्स टू एम डी ई, ठीक है। तो यहाँ से डी पी बराबर आ जाएगा कितना, एम इंटू डी ई बाय रूट अंडर टू एम ई, बात समझ आई क्या, है ना। तो ये हम क्या करें, मोमेंटम में रिलेशन लिया है, एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन होता है, इसलिए मैंने लिया है। अब इसी इक्वेशन को जो मैंने एनर्जी के लिए लिखा है उसको अब हमने क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, वो कन्वर्ट करने वाले मोमेंटम के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बंदे में दम है, मेहनत कर रहे बंदे, बंदे यार, ठीक है बच्चा।
यहाँ पर जो गैप एन पी डी पी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जी पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी पी इंटू ई का पावर माइनस अल्फा इंटू ई का पावर माइनस बीटा इंटू ई के जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, ई के जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, बोलिए बच्चा, ई के जगह पे हम पुट करने वाले हैं पी स्क्वायर बाई टू एम, क्या पुट करने वाले हैं, पी स्क्वायर बाई टू एम, इसको कोई काम नहीं, इसको हटा दो नहीं, क्यों बच्चा लोग को देखने में परेशानी कर रहा है यहाँ पर, अचानक अचानक जिसका जिंदगी में कुछ काम नहीं होता वो यहाँ क्यों जम जाते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया मैंने पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया। अब देख रहे हैं पी स्क्वायर बाई टू एम डी ई आता है, तो डी ई का जो वैल्यू है वो हम लिखना चाहेंगे ना, कहाँ यार, डी ई का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर टू एम ई बाई एम इंटू डी पी, क्या हो जाएगा रूट अंडर टू एम ई हो जाएगा ना, ठीक है, फिलहाल अभी अभी क्या करो, अभी यहाँ पर डी पी लिखो सिर्फ, ठीक है, बाकी को हम आगे बताने वाले, इसका यूज जो है सो आगे है, मैंने यहाँ पर पहले बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन समझिए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इक्वेशन हो जाते हैं किसके लिए, एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये इक्वेशन हो जाते हैं मोमेंटम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें कमी क्या है, कमी है सिर्फ अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू, वही हम निकाल रहे हैं, समझी बात को। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास जी पी इंटू डी पी है उसका एक वैल्यू होता है, उसका फॉर्मूला तो उसका डेफिनेशन होता है कि अगर अगर एच क्यूब को मान लें वॉल्यूम है किसी सिंगल सेल का, किसी भी सिंगल सेल का वॉल्यूम है, तो जी पी इंटू डी पी का वैल्यू होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसका भाई, डी पी सॉरी वॉल्यूम उस रेंज का जो पी और डी पी प्लस डी पी के बीच में मोमेंटम है उसका वॉल्यूम बटे सिंगल सेल का वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये जी पी इंटू डी पी क्या होता है, वॉल्यूम होता है पी और पी प्लस डी पी का के बीच का रेंज का वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ होता है एच क्यूब, साथ में इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आगे डिराइव करने वाले हैं, डी पी इक्वल टू आ जाएगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा भाई, और इंटीग्रल में होगा, जैसे डी एक्स होगा, ठीक है, डी एक्स उसके लिए जो मोमेंटम होगा कितना होगा, डी पी एक्स, डी वाई जो होगा उसके लिए मोमेंटम होगा डी पी वाई, डी जेड जो होगा उसके लिए मोमेंटम होगा डी पी जेड बाई एच क्यूब, समझ में आई बात, बाई क्या होगा, एच क्यूब होगा, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन डी एक्स डी वाई और डी जेड जो है, डी एक्स डी वाई और डी जेड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डी एक्स डी वाई और डी जेड ये वॉल्यूम है किसी सेल का, टोटल वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी, उसके बदले मैंने वी पुट किया बाई एच क्यूब, इंटीग्रेशन में होगा डी पी एक्स डी पी वाई इंटू डी पी जेड, और ये वॉल्यूम कितना होगा आखिर में, ये वॉल्यूम कितना होगा आखिर में, तो एक स्फेयर को कंसीडर करें, क्या कंसीडर करेंगे, एक स्फेयर को जिसका ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, पी प्लस डी पी, ठीक है, और इसके बीच का जो वॉल्यूम होगा, इसके बीच का वॉल्यूम वो निकालने वाले, इसका एरिया को इसके थिकनेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे फुटबॉल की चौड़ाई मान लीजिए इतना है, ठीक, इतना थिकनेस है फुटबॉल का, और उसका वॉल्यूम निकालना है थिकनेस का सिर्फ, तो उसका एरिया टोटल निकालेंगे, उसका थिकनेस से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए वही काम करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है यहाँ पर डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है भाई, डी पी है, तो अब इसके जगह पे हम पुट करेंगे ये वाला, तब ये जो जी पी इंटू डी पी आ जाएगा, जी पी डी पी जो आ जाएगा वो क्या आएगा, इतना का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर पुट करिए, वी इंटू 4 पाई पी स्क्वायर
बाई एच क्यूब इंटू डी पी, यही आएगा वी स्क्वायर, बोलिए सॉरी वी इंटू फोर बाय बी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब आएगा, ठीक है। तो अब आगे तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आया है मेरा उसको हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। जी पी इंटू डी पी, जी पी इंटू डी पी के जगह पे हम इतना कुछ लिखेंगे, तो एन पी डी पी बराबर जी पी इंटू डी पी के जगह पे भी फोर पाई पी स्क्वायर बाई एच क्यू इंटू, ठीक है इतने धैर्य रखिए थोड़ा, ई का पावर माइनस अल्फा यहाँ पर है, ई का पावर माइनस बीटा इंटू पी स्क्वायर बाई टू एम यहाँ पर है इंटू डी पी यहाँ पर रहेगा, समझाई बात। तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया है ना। अब इसके बाद इसमें एक इंटीग्रेशन आया हुआ है जिसको हम बताएंगे अभी, और उस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन गामा फंक्शन से होता है, ठीक है। तो उस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कहाँ से होता है, गामा फंक्शन से होता है। डी पी इधर भी, डी पी इधर भी, तो दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक भाई, कि अगर इसका इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी तक हम कर दें और इधर इसका भी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी तक कर दें तो क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि इसका इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी तक करेंगे तो एन आ जाएगा, कितना आएगा एन आएगा, कितना आएगा एन। और जब इसका इंटीग्रेशन करने की बात रहेगी तो जितना कॉन्स्टेंट वाले टर्म उसको बाहर खींचेंगे कि नहीं, तो भी फोर पाई भी खींच लिए बाहर, ठीक है। ई का पावर माइनस अल्फा बटे एच क्यू, ठीक है, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस बीटा इंटू पी स्क्वायर बाई टू एम इंटू डी पी, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी तक। और बस हमको सिर्फ यही सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन होता है गामा फंक्शन से, ठीक है। इस तरह से आप समझिए, अगर मेरे पास रहा एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका सॉल्यूशन गामा फंक्शन से होता है। कैसे होता है ये मैंने बताया था प्रूव करके। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है बच्चा, हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है कि इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन होता है गामा फंक्शन से होता है 1/4, लिख देते हैं यार कहीं भी, ठीक है, क्या लिख देते हैं, मिटा के लिखते हैं ना, मिटा के लिखते हैं। तो मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, और इसका जो आंसर आता है इस इंटीग्रेशन का जीरो से इन्फिनिटी तक पी स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई टू एम इंटू डी पी का, वो इतना आता है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए मैंने क्या किया है, फोर पाई बी इंटू ई के पावर माइनस अल्फा बटे एच क्यूब को रख दिया है, और इतना टोटल रख दिया है इसका वैल्यू, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, झट से मेरे पास आंसर आ रहा है मेरा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये फोर और ये फोर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा भी इंटू ई का पावर अल्फा माइनस अल्फा बाई एच क्यूब, ठीक है, इंटू माइनस अल्फा बाई एच क्यूब, पाई जो बचा वो पाई को इधर भेज दे, तो एक पाई यहाँ पर है इंटू रूट पाई यहाँ पर, तो हो जाएगा पाई का पावर 3/2, पाई का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ पर एम का पावर 3 है, 2 का पावर 3/2 8 होता है, ठीक है, बाई बीटा, इन टोटल का पावर अगर हम 3/2 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/2 तो पहले से था यार। और अगर हम निकालना चाहेंगे 2 का क्यूब तो 8 आएगा, पाई का क्यूब निकालना चाहेंगे, पाई का क्या निकालना चाहेंगे, क्यूब, तो आएगा पाई रूट पाई, कितना आएगा पाई रूट पाई। और एम का क्यूब तो पहले से था, ठीक है, और बी का क्यूब पहले से था, ये पाई रूट पाई कहाँ से आया, देखो भाई यहाँ पाई रूट है, रूट में पाई यहाँ है और पाई अकेला यहाँ है, तो ये दोनों को मिला करके एक साथ में 3/2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से ई का पावर माइनस अल्फा का वैल्यू निकालिए, तो क्या निकलेगा, निकलेगा एन एच क्यूब बटे भी इंटू बीटा बाय 2πm का पावर 3/2,
ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। e का पावर माइनस अल्फा का वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब किसके लिए कैलकुलेशन बचा है, बीटा के लिए, ठीक है, तो बीटा के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, थोड़ा ध्यान सुनिए, यहाँ तक लाने के बाद e का पावर माइनस अल्फा का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया है, देख रहे हैं, और ये कहाँ पर आया था, जहाँ पर मैंने निकाला था एक स्फेयर का वॉल्यूम डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड का इंटीग्रेशन का वैल्यू जब निकाला था ना मैंने, 4π p² × dp, तो उस जगह के बाद मैंने ये वाला लिखा था, देखिए 4π p² × dp, और वहाँ पर मैंने पुट किया था gp × dp का वैल्यू, तो ये वाला इक्वेशन आया था, और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ये e का पावर माइनस अल्फा को यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, तब ये आया है। देखिए वहाँ पर जो था उसको देखिए, v4π p² / h³ रहने दिए, अब e का पावर माइनस अल्फा है तो e का पावर माइनस अल्फा का वैल्यू यहाँ तक पहुँच गया, फिर e का पावर माइनस बीटा (p²/2m)/dp, ठीक है, एच क्यू से एच क्यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, बचा यहाँ 4π, और एक n बचा हुआ है, n भी बचा हुआ है, पी स्क्वायर बचा यहाँ पर रख दिए, और ये टोटल टर्म को मैंने यहाँ पर लिखा है, और e का पावर माइनस बीटा p² यहाँ पर है और dp यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद इसको मान लीजिए कोई इक्वेशन है आप जो कि काम आएगा, यार मैंने बोलता हूँ मान लीजिए लेकिन मानता ही नहीं हुआ, अच्छा बात नहीं, इसको मान लीजिए इक्वेशन कैपिटल A। अब देखिए ये अल्फा का वैल्यू कब आया, जब मैंने ये वैल्यू निकाला npdp का, लेकिन जब मैं nede निकालूंगा एनर्जी के लिए तब निकलेगा वैल्यू किसका, बीटा का, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ nede का वैल्यू, उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे इसी में यहाँ पर dp के जगह पे एक्सचेंज करेंगे, p के जगह पे e लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे वो तो आपको बताए थे हम कि p² बराबर होता है, सॉरी यार, एनर्जी बराबर होता है p² / 2m, होता है कि नहीं, तो यहाँ से dp इक्वल टू हमने निकाला था, उसमें क्या निकाला होगा, dp इक्वल टू निकाला था भाई साहब, यहाँ p² 2m ही हो जाएगा ना, 2dp इक्वल टू हो जाएगा mde/√2me, यही निकाला था, ठीक है, तो बस वही काम करना है, e के जगह पे इतना पुट करना है, dp के जगह पे इतना पुट करना है, समझे, तो पूरे की पूरी कहानी हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको मिटाने के बाद देखते हैं, मिट जा भाई, मिट जा, मिटता ही नहीं है यार, बोर्ड ही खराब है, बोर्ड ही क्या है, खराब है, ठीक है बच्चों लोग, हाँ ठीक है बच्चों लोग, npdp उसको nede कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, nede बराबर 4πn बीटा बाई, इतना में कोई वैल्यू चेंज नहीं करना है, beta/2πm²(3/2)(e²-p²/2m) क्या है, e beta(e) और p²(dp), ठीक है। तो बच्चा लोग देखो यहाँ पर p² के जगह पर लिखेंगे 2me, क्या लिखेंगे, 2me(dp) के जगह पे ये वाला लिखेंगे mde/√2me, समझे मेरी बात को, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर e से मल्टीप्लाई करके क्या करें कि इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें यहाँ पर e से मल्टीप्लाई करके, इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक ना, तो क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी n, और ये वैल्यू कितना आएगी वो हम देखने वाले हैं, देखेंगे ध्यान से, है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर देखिए 4πn, 0 से ∞ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से ∞ तक, समझवाए क्या, इन्फाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी गामा फंक्शन का यूज होता है, और गामा फंक्शन में जो इंटीग्रेशन है उसका यूज करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं beta/2πm²/3/2 होगा इंटू, यहाँ पर देख रहे हैं 2me है रूट के अंदर, यहाँ 2me है रूट के
बाहर, तो इससे इस पूरे को काट देंगे, यहाँ बचेगा रूट टू, रूट एम और रूट ई, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको लिखिए सबसे पहले, जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस बीटा ई इंटू रूट टू रूट एम, ठीक है, रूट टू रूट एम रूट ई इंटू ई का ई एम डी। मैंने क्या बोला था, यहाँ भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी इसे मल्टीप्लाई किए थे, इसके बाद इसको इंटीग्रेशन किए थे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं, ये थ्री बाई टू है ना, टू का थ्री बाई टू करेंगे तो आएगा कितना, टू रूट टू। उसी तरह पाई का थ्री बाई टू, अच्छा पाई को रहने दो, एम का थ्री बाई टू करेंगे कितना है, एम रूट एम। अब देखो ये जो रूट एम है, ये रूट एम यहाँ नीचे में आएगा और ये रूट एम दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ में जो m है वो m इसके साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये m को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद उसी तरह से टू टू रूट टू आया ना, तो ये जो रूट टू है, रूट टू, ये रूट टू इसके साथ कैंसिल हो गया कितने बार में, कितने बार में, टू बार में, क्योंकि यहाँ टू बचा, और वो जो टू बचा वो इसके साथ कैंसिल हो गया कितने बार में, टू बार में, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं तो ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच गया, हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ बच गया एन इक्वल्स टू टू पाई एन, क्या बचा यहाँ पर, टू पाई एन बीटा बाई पाई का पावर थ्री बाई टू, बीटा बाई पाई का पावर थ्री बाई टू। इंटीग्रेशन का चिन्ह है, वेरी गुड बच्चा, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो ई का पावर माइनस बीटा ई, e का पावर माइनस बीटा e, ठीक है, इंटू इंटू e और रूट e, क्या हो जाएगा, e का पावर थ्री बाय टू, e और रूट e कितना हो जाएगा, e का पावर थ्री बाय टू। साथ में यहाँ पर m जो था कट गया, बचा क्या, डी ई, ठीक है, समझ में आई बात। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, इसका जो इंटीग्रेशन होता है गामा फंक्शन से, वो होता है यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है थ्री बाय फोर रूट अंडर पाई बाय बीटा का पावर फाइव, इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, टू से टू टाइम्स में कट जाएगा, पाई है यहाँ पर, पाई है, ठीक है। अच्छा इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पाई एन है इंटू यहाँ बीटा का पावर कितना बच्चा, थ्री बाई टू, मतलब बीटा रूट बीटा बटे यहाँ पाई का पावर थ्री बाई टू, मतलब पाई रूट पाई, ठीक है, इंटू थ्री यहाँ पर है रूट पाई बटे टू, और बीटा का पावर फाइव है, इसका मतलब हो जाएगा बीटा का स्क्वायर इंटू बीटा रूट अंडर, ठीक है, बीटा का पावर कितना है फाइव, इसका मतलब बीटा का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, अंदर में देखो यार, बीटा का स्क्वायर अंदर में हो जाएगा बीटा पावर फोर और एक बीटा, बीटा का पावर फाइव, जब बीटा का पावर फोर बाहर आएगा तो बीटा का पावर टू बचेगा और एक बीटा जो अंदर में बचेगा वो बीटा बचेगा। तो बीटा यहाँ बेटा से कट गया और ये बेटा यहाँ इससे कट गया, एक बार से पाई यहाँ से कट गया रूट के अंदर और ये पाई इससे कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, ओ यहाँ पर जो है सो एनर्जी ना होगा बच्चा, ये टोटल का इंटीग्रेशन एनर्जी होगा ना, जीरो से इन्फिनिटी तक एनर्जी का इंटीग्रेशन करें तो एनर्जी होगा, इसी कारण से इधर क्या होगा, इधर भी यहाँ पर एनर्जी होगा, यहाँ भी क्या होगा, एनर्जी होगा, ये भी हम क्या निकालें, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए एन, देखो थ्री बाय टू, थ्री बाय टू एन बाय, एन बाय बीटा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार से जानते हैं कि एनर्जी होता है कितना होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार से जो एनर्जी होता है वो होता है थ्री बाय टू एन के टी, होता है कि नहीं होता है, है ना, कहाँ से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से एनर्जी को जानते हैं थ्री बाय टू एन के टी होता है, तो उसी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे थ्री बाय टू एन के टी, थ्री से थ्री कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एन से एन कैंसिल हो जाएगा,
कितना बचेगा, 1 बाय बीटा इक्वल्स टू के टी। इसका मतलब बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय के टी। अब इसी बीटा का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे और फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जो होगा मैक्सवेल का इक्वेशंस, ठीक है। उसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम का भी है और किसके लिए भी है, मोमेंटम के साथ में एनर्जी के लिए भी है। तो ये रहा ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग मेहनत कर रहे थे पिछले 1 घंटे से, ठीक है। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। जब अल्फा का वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया 1 बाय के टी, तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा का वैल्यू शुरुआती का जो इक्वेशन माना था NPDP करके, जहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा था, बोला था अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तब उसमें मैंने एक रेंज लिया था, मोमेंटम का रेंज और एनर्जी का रेंज, उसमें 2 इक्वेशन माने थे, उसमें मैंने इसको पुट किया अल्फा और बीटा का वैल्यू, तब जाके ये आता है। NPDP के लिए ये इक्वेशन है और NEDE के लिए इक्वेशन है, मतलब एक रेंज ले रहे पी से, पी प्लस डेल्टा पी के अंदर में कितने मोलिकुल्स होंगे जिसका ये मोमेंटम होगा, तो ये इतने मोलिकुल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे जिसका मोमेंटम होगा पी से लेकर के पी प्लस डेल्टा पी के रेंज के बीच में। उसी तरह इसमें मैं ई और ई प्लस डेल्टा ई के बीच में जितना भी एनर्जी होगा, जो जो पार्टिकल का एनर्जी वो कौन होगा, इतने ही पार्टिकल्स होंगे जिसका एनर्जी ई और ई प्लस डेल्टा ई के अंदर में होंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और हम समझते हैं कि कल का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा जाए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ज़रूर पढ़िएगा। प्लैंक्स आ रहा है, प्लैंक्स को पढ़िए। रेले जींस लॉ आ रहा है, रेले जींस लॉ को मैंने पढ़ाया, वहाँ पर पढ़िए क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है बोस, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का, वो हम अभी बताने वाले हैं। लाइन पर बने रहिए, कल एग्जाम से पहले तक वीडियो कोशिश करूँगा कि सबके सब आप तक पहुँच जाए। सो धन्यवाद, आज यहीं तक।